विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI पुणे ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों की मदद से सोयाबीन की एक नई किस्म MACS 1407 विकसित की है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोयाबीन की परंपरागत किस्मों में क्रॉस ब्रीडिंग करके नई किस्म तैयार की गई है। ये प्रति हेक्टेयर 39 कुंतल सोयाबीन पैदा करती है। इस किस्म की दूसरी खूबी ये है कि इसमें सोयाबीन पर लगने वाले परंपरागत कीटों जैसे कर्डल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और डिफोलिएटर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत भी न्यूनतम रहती है तथा इन रोगों के कारण होने वाली क्षति भी नहीं होती है। इस प्रकार उत्पादकों को इसे बोने से दोहरा फायदा होगा। इस किस्म की एक खूबी ये है कि इसका तना मोटा होता है तथा पेड़ में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर सोयाबीन की फलियां लगती हैं। इसलिए इसकी मशीन से भी कटाई की जा सकती है। इसे कम पानी और उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। इस किस्म को तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संतोष जयबाई ने कहा कि MACS 1407 सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म से भी 17% ज्यादा उत्पादन देती है। MACS 1407 को 50% फूलों के कुसुमित होने के लिए औसतन 43 दिनों की जरूरत होती है और इसे परिपक्व होने में बुआई की तारीख से 104 दिन लगते हैं। बीजों में 19.81% तेल और 41% प्रोटीन पाया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस किस्म को खेती के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। अगले साल खरीफ की बुआई के लिए इसके बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में देश में सोयाबीन का कुल उत्पादन 9 करोड़ टन के करीब रहा है। इस किस्म की खेती शुरू होने पर इसमें और बढ़ोतरी होगी।